औरंगी टाउन गाजियाबाद क्रिश्चियन कॉलोनी UC1 थाना पाकिस्तान बाजार SHO और तमाम पुलिस अफसरान ने किसी का गुस्सा मसीही कौम के नौजवानों और बहन बेटियों के साथ जुल्म की इंतहा आए इनकी जुबानी सुनते हैं। जी बाजी, क्या हो रहा है आपके साथ? हमारे बच्चों को बेकसूर गली में जा रहा, मेरा बच्चा इन्होंने पकड़ा। क्यों पकड़ा? मारा है इन्होंने, बोला ये, उन्होंने बोला इनका बनवाई और बनवाई थोड़ी जाता था, ये लोग तो खुद ऐसे और हमारे बच्चों को बेकसूर पकड़ा गया और मेरे देवर को बेकसूर पकड़ा गया। 3-4 लोगों मारों को पकड़ा इन्होंने, इतना मारा मन बेघर है 4 दिन से। तो आप अपने घरों पे नहीं है? नहीं, हम घर में ताले लगे हुए हैं। हम लोगों को ये इन्होंने बेसून कर दिया है, घर से बेघर कर दिया इन लोगों ने। औरतों को भी अभी कह रहे हैं कि पुलिस लेडीज आएगी उठाएगी, कोई आवाज ही नहीं हमारी सुन रहा। हम लोग जा रहे, पैसा इतना इतना मांग रहे हैं। आप लोगों के साथ किसी किस्म का कोई पुलिस वालों ने रابطہ करने की कोशिश की? नहीं, हम गए, उन्होंने आगे बोला ये कि इतना पैसा लो तो रंट वंट पे हम छोड़ेंगे नहीं, इनको बचाएंगे मारने के लिए 60,000 रुपये। ये किसने 60,000 रुपये की डिमांड की आपसे? ये थाने वालों ने बोला है, पाकिस्तान बाजार थाने वालों ने पैसे की डिमांड की। तीनों के पैसे भी हम दो बच्चों को जो छुड़ाया 50,000 रुपये लिया इन्होंने हमारे से। तो अभी आप कितने दिन से अपने घर बेघर में? घर से बेघर। और कहाँ पे अभी आप रहते हैं? अभी हम लोगों में बच्चे दूर भेजे हुए हैं, हम लोग यहाँ तक ड्यूटियां करने आए हुए हैं, हम चुपके से बैठे क्या कितनी देर बैठेंगे चुपके। ये है पाकिस्तान बाजार थाने की पुलिस और थाने की नाकस काकर की गुस्सा किसी और का और निकालना मसीही बरादरी के नौजवान माओ बेटियों पर। तो आला हकाम से गुजारिश है इस वीडियो पे नजर सानी करते हुए मसीही कौम की आवाज़ बने। शुक्रिया।